पानी की पठार, सड़क, लोगों के आशियाने, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं भारत के मित्र देश ब्राजील की, जहां इन दिनों आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्राजील में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि अब तक 75 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर ब्राजील के रियो ग्रांडो डो सुल राज्य में देखने को मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक भयंकर बाढ़ के कारण 88,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, जबकि लगभग 16,000 लोगों ने स्कूलों, जिमों और अन्य अस्थायी आश्रयों में शरण ली है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट टूटने की वजह से 3,00,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के जीने को मजबूर हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भी अपने मंत्रियों के साथ हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया है। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र का संपर्क टूट गया है और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी बाधित हो गई है। ब्राजील के बाढ़ग्रस्त इलाकों में इमरजेंसी सर्विस के लोग ढहे हुए घरों, पुलों और सड़कों के मलबे के बीच फंसे जीवित बचे लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान चला रहे हैं। विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे राज्य के गवर्नर एडुआर्डो लेट ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। तो वहीं रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में जलस्तर में लगातार वृद्धि से बांधों पर दबाव बढ़ रहा है और पोर्टो एलग्रे महानगर के लिए खतरा बढ़ गया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ इलाकों में पानी छतों तक ऊपर उठा हुआ है। बचाव दल लोगों और पालतू जानवरों की तलाश में लगी हुई है। सड़कें ताश के पत्तों की तरह बह गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार की सुबह तीव्र बारिश के कारण गुइबा झील में जलस्तर 5 मीटर बढ़ गया, जिससे राज्य की राजधानी पोर्टो एलेग्रे को खतरा बढ़ गया है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने रविवार को दूसरी बार रियो ग्रांडो डो सुल का दौरा किया। उनके साथ रक्षा मंत्री जोस म्यूसियो, वित्त मंत्री फर्नांडो हद्दाद और पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा भी शामिल थे। बता दें कि ब्राजील में अल नीनो के कारण ऐतिहासिक रूप से उत्तर में सूखा और दक्षिण में तीव्र वर्षा हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की घटनाएं बार बार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।